आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के युवा संगठन लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने भाजपा सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में 400 सीटों के साथ सत्ता में आएगी। समाजवादी पार्टी हमेशा से जनहित के मुद्दे पर सड़क पर संघर्ष करने का काम की है। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में आओ चलो बूथ के पास चौपाल करे को लेकर प्रदेश के अलग अलग जनपद में निकाले लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष प्रदीप तिवारी तय कार्यक्रम के अनुसार आजमगढ़ पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जहां उनके साथ रणनीति तय की, वहीं अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने के लिए संकल्प दिलाया। जा रही है भारतीय जनता पार्टी, अब कभी नहीं आएगी सत्ता में। जनता ने बहुत दुख दर्द झेले हैं, इतना दुख दर्द झेला है, उन्होंने अपने अपनों को बहुतों को खो दिया है। जनता के दिल से पूछिए, 400 सीट का आपका आधार क्या है? अगले दिन भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, 403 सीट, 400 सीट मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी को 400 सीटें मिलेंगी और प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश 2022 में बनाने जा रही है। आज मैं फिर कह रहा हूं दोबारा, आज बेरोजगारी त्राही त्राही माम है। आप देखिए, रात भर किसान खेतों में रखवाली कर रहा है अपने खेतों, किस तरीके से, किस संघर्ष से फसल उगाता है, आज उसके दुख दर्द से पूछिए। जिस जगह पे, जिस रोड से चले जाइए, जानवर के बैठे हुए हैं, तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। ये कौन सा समय ला दिया? गाय माता को भी परेशान कर दिया, गाय माता भी नहीं छोड़ेंगी, उन्होंने भी दे दिया श्राप ना, तो मोदी को और योगी को, दोनों को श्राप दिया है। समाजवादी पार्टी की पहचान संघर्ष की हुआ करती थी, कोरोना काल में भी और इस समय आजमगढ़ में भारी बारिश हुई और 50,000 से आबादी अभी भी बाढ़ग्रस्त एरिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं सड़कों पर उतरी नहीं। समाजवादी पार्टी हर जगह पर संघर्ष कर रही है, मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी हर जगह संघर्ष कर रही है। समाजवादी, आप खुद मोहल्लों का निरीक्षण नहीं किए? कौन? अभी तो मैं आ रहा हूँ ना, अभी तो आ रहा हूँ, अभी मैं गया था ना अतरोलिया की तरफ गया था, अभी मैं होते चला आ रहा हूँ, अभी होते चला आ रहा हूँ। और सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का अपने पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं को, विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, सबको आदेश है कि जहाँ जहाँ जो भी कार्य मतलब बाढ़ग्रस्त वाले क्षेत्र हैं वहाँ सब लोग जा रहे हैं। अभी हमारे देखिए पार्टी, अभी देवरिया का था मामला, मऊ में भी कल में था, अभी पिछले सप्ताह जालौन में था, बहुत भारी बाढ़ थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता सब लोग लगे हैं।